વિશ્વમાં આવેલ કેપિટલ ગ્રીન સોસાયટીમાં ગણેશ ઉત્સવમાં ફેશન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેપિટલ ગ્રીન ઉત્સવ કમિટી દ્વારા ફેશન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 3 વર્ષથી કેપિટલ ગ્રીન કમિટી દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ફેશન શોમાં 5 વર્ષના બાળકોથી લઈને 50 વર્ષના મહિલાઓ તથા પુરુષોએ ભાગ લીધો હતો અને તેમના પરિવારો દ્વારા એમને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન કરવામાં આવ્યું હતું. કેપિટલ ગ્રીન કમિટીના પ્રમુખ શ્રી કૃષ્ણ બંકાજીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ 3 વર્ષથી આ ગણેશ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે અને આ સોસાયટીના રહેવાસીઓ એક સાથે મળીને ગણેશજીની આરતી કર્યા પછી અવનવા 10 દિવસ સુધી કાર્યક્રમો કરતા રહ્યા છે, જેમાં ડાન્સ સ્પર્ધા, ટેલેન્ટ સ્પર્ધા, ફિટ રહેવા માટે ગરબા અને ફેશન શો નું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ બંકાજીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનો ઉદ્દેશ દરેક સમાજ વચ્ચે એકતા અને ખુશીનો માહોલ બની રહે તે હેતુથી આ પ્રોગ્રામ ઉજવતા હોય છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હાલ છે દેશભરમાં ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે અત્યારે મોજૂદ છે વેસુ ખાતે આવેલ કેપિટલ ગ્રીન્સમાં, જ્યાં કેપિટલ ગ્રીન્સ ઉત્સવ કમિટી દ્વારા આજે ફેશન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બાબતે આપણે વધુ જાણકારી જાણીશું. કેપિટલ ગ્રીન કમિટી ઉત્સવના જે પ્રમુખ છે શ્રી કૃષ્ણ બંકાજી સાથે. જી સર, આજ આપણે ક્યાં આયોજન કરને મેં આયા હે ઓર આજ કા ફેશન શો કૈસા રહેગા? हमारी सोसाइटी में 280 फ्लैट है, 1500 की आबादी है, 1500. हम पूरे 10 दिन उत्सव मनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ. आज का हमारा फैशन शो है, कल हम परसों टैलेंट शो था, कल डांडिया था, तो हम कुछ न कुछ नया करके प्रोग्राम करते हैं. वो इसलिए करते हैं कि सब जो हमारे बिल्डिंग में अग्रवाल है, जैन है, पंजाबी है, सिंधी है, मैसूरी है, सब समाज के लोग, हम चाहते हैं सब मिल के रहें और सब में प्रेम बढ़े. इसके लिए हम 10 दिन प्रोग्राम करते हैं और शाम का डिनर भी रखते हैं पूरे 10 दिन तक. कितने सालों से आप ये प्रोग्राम चल रहे हैं? सोसाइटी 3 साल पुरानी है, तो 3 साल से कर रहे हैं. अभी जिस दिन शुरू हुई उसी दिन से हम प्रोग्राम कर रहे हैं. क्या संदेश के साथ आप ये प्रोग्राम करते हैं, जब पूरी हर एक समाज एक साथ होता है, एकजुट होता है, क्या संदेश देते हैं? बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेश गणपति की स्थापना शुरू की थी तो उनका एक ही मोटो था कि समाज, सब समाज एक हो जाए, अलग अलग भागों में नहीं बंटे. उसी मोटो को लेके हम भी गणपति मनाते हैं और सब समाज इकट्ठे होकर गणेश जी की पूजा करते हैं. ऐसा भेदभाव नहीं कि खाली वैष्णव भी करते हैं, जैन भी पूजा करते हैं, सब तरह के सिंधी पंजाबी सब पूजा में बैठते हैं और सब पूजा करते हैं. तो हमारे में बहुत ऐसा प्रेम हो रखा आपस में, हमको घर जैसा लगता है. पूरा एक गांव है राजस्थान में, तो 1500 आदमियों का गांव होता था, हमारी सोसाइटी में 1500 आदमी है, फिर भी हमारे यहाँ कोई भी तरह का वैमनस्य नहीं है. मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहें और सबका सहयोग करें, आपस में कोई भी काम हो तो सोसाइटी की इज्जत बढ़ेगी और सोसाइटी की वैल्यू बढ़ेगी. महेश खेतान, मैं कैपिटल ग्रीन परिवार का उत्सव कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ. सर, कितने वर्ष तक की महिलाएँ और पुरुष इस फैशन शो में भाग ले रहे हैं? यहाँ 3 साल से लेके 65-70 साल की महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी भाग लेते हैं. आज का फैशन शो हमारा बहुत अच्छे से आयोजित किया गया है और इसमें सभी छोटे बड़े सभी भाग ले रहे हैं, 3 साल से लेके 70 साल के बच्चे तक, बड़े बुजुर्ग लेडीज सब कोई भाग ले रहे हैं. क्या कोई थीम रखी गई है या फिर सब अपने ही डिज़ाइन के हुए कपड़े पहन के आने वाले? सब अलग अलग टाइप की थीम रखी गई है, कोई सास पुतोह है, कोई दादा पोता है, इस टाइप से अलग अलग थीम रखी गई है, बेटा दादा है, इस टाइप से कुछ अलग अलग थीम दी गई है, सब अलग अलग थीम में बन के आएंगे. इस फैशन शो के जरिए आप क्या संदेश देते हैं? इस फैशन शो के जरिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग ये कैपिटल ग्रीन परिवार में सब तरह के लोग हैं, सब कोई मिलजुल के ये शो में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और गणपति पूजा में 10 दिन धूमधाम से मनाते हैं. और सारे वर्ग के लोग हैं जो कि काफ़ी चाव से बप्पा की पूजा करते हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं. मैम, योर नेम? हाय, माय नेम इज दौमंते. ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू जज द स्टूडेंट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर? वेल, आई एम गोइंग टू सी द एनर्जी, आई एम गोइंग टू सी द क्लोथिंग्स एंड लाइक एवरीथिंग इन जनरल. How are feeling? This is your first time to judging the show? Yes, this is my first time and I'm very excited. What kind of tips you are going to give to the participants? They should be confident, they should be elegant and trust themselves.